तो आज है दूसरा दिन और आज लगभग 8 बजे हम रायपुर से पुरी जाने के लिए रेडी हो गए थे। और लगभग रायपुर से 600 किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा आज का पुरी का। और जो हमारा ETA दिखा रहा था वो रात को 9 बजे का दिखा रहा था। तो आज भी हमारी जर्नी होने वाली थी पूरे दिन की। तो सब रेडी हो गए थे और सामान पैक करके हम निकल पड़े 36 गढ़ से ओरिसा वाले रास्ते की तरफ। तो अभी होटल से तो निकल गए हम पुरी जाने के लिए, पर होटल में इतनी सर्विस अच्छी नहीं थी तो वहाँ पे ब्रेकफास्ट हुआ नहीं है। तो अभी रास्ते में जाते हुए देखेंगे कहीं पे चाय मिल जाए। सामने ग्रीनरी वाला रास्ता थोड़ा थोड़ा है, अभी आगे क्या रहता है। ये फॉरेस्ट एरिया चालू हुआ है, फॉरेस्ट एरिया चालू हो गया है, ऐसा लग रहा है धीरे धीरे चालू हो गया है। रास्ते में एक चाय की दुकान नहीं मिल रही। अभी ढाबा छोटे छोटे दिख रहे हैं और उसमें ना नाश्ता मिल रहा है ना चाय मिल रही है। अभी ढूंढ रहे हैं चाय कहीं पे मिल जाए अच्छा सा, आगे साथ बड़ा कोई सेंटर आएगा वहाँ पे मिलेगी। तो चाय के बिना तो भाई मुश्किल है, फिर भी चल रहे हैं धीरे धीरे। सामने ऐसा है क्या? यहाँ पे नहीं मिलेगा ना? यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। आलू पराठा मिलेगा, आलू पराठा मिलेगा, वो समोसा वोसा मार्केट में मिलेगा, छोटी छोटी दुकानों में। ऐसा है क्या? यहाँ पे तो खाने का मिलेगा, आलू पराठा बोल रहा हूँ मिलेगा तुम मसाले। तो अभी रायपुर से निकल गए, आधा पौना घंटा हुआ। दो पराठा मारो। तो फाइनली कृष्णा नाम है ना ढाबा का? जी कृष्णा ढाबा पे मिल गए। भैया आपका नाम? बैजनाथ यादव। बैजनाथ भाई अभी एकदम जबरदस्त चाय पिलाने वाले हैं छे, ताकि आगे और अंतर खींच सके। अभी चाय का नाम सुन के एनर्जी आ गई है और लोगों की एनर्जी कितनी है वो सबसे पूछते हैं। कैसा रहा मेरी एनर्जी? और आज का तो अभी कल से बहुत ज्यादा अच्छी है। अच्छी हो गई? हाँ बिल्कुल, रेस अच्छा हो गया ना? कल तो हम लोग 24 घंटे कंटिन्यू चलाया, तो फिर क्या है कि पूरा लिथार्जिक हो गए थे। तो मैंने बोला रेस्ट करते तो वैसे भी अच्छा रहेगा। क्यों हो रही हो, थाक नहीं लागे ना अत्यार सुधी? तो चेहरा देख के आप समझ सकते हो कैसा रहा होगा पप्पा तुम्हारे। फिर लो थाक उतरियो काले थाक लागे बड़ावे सार लगे है क्या ऐसे? क्या बोलना पड़ता है क्या? हुआ तुम्हारे? हुआ तो एकदम फ्रेश है। कल अभी अंजू पीछे बैठे बैठे थोड़ी बोर हो गई थी, तो हमने सोचा उसको थोड़ी देर गाड़ी चलाने देते, क्योंकि ये 1200 किलोमीटर चलाया तो वो पीछे ही बैठी रही और चलाने नहीं मिला। उसको भी थोड़ी इच्छा हुई तो अभी ये चला रही है और ट्रकों को ओवरटेक करती जा रही है। अभी कब तक चलाती है वो देखते हैं। आराम से चलाना है भाई, कट बट नहीं मारना। मुझे डर लग रहा है। मुझे कुछ बोल भी नहीं रही व्लॉग में। अरे नींद में तो आज दे दे मुझे। चलो ये रास्ते पे सीधा, अभी शायद ओडिशा क्रॉस करेंगे। ओडिशा में एंटर हो गए हैं और ये ओडिशा का कौन सा गांव है भैया? ये सोनपुर है? सोनपुर है ना, तो सोनपुर में रुके हुए हैं क्योंकि यहाँ पे चाय मिलना बहुत मुश्किल है। मुश्किल से एक जगह आप चाय भैया बना रहे पीते हैं और थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं। और सर दर्द बहुत हो रहा है, तो अभी तो अपूर्व को दे दिया है गाड़ी चलाने के लिए। सीधे जाए तो बलांगीर, राइट जाए तो संबलपुर। ये स्टंट बाइक लेके क्या कर रहा है भाई? अरे यार फोटो खींचवा, तुम रुक जाओ यार अभी थोड़ी देर। ये एकदम स्पेशल चाय बना रहे हैं, तो चाय की खुशबू से ही मजा आ जाएगा। हाँ तो अभी हम लोग यहाँ पे पूरी के रास्ते जा रहे हैं, तो अभी मेरा भाई तो सो गया है, आज मैं ही उसका कैमरा पकड़ के ब्लॉग बनाने लगा हूँ। यहाँ पे एक ट्रक गिर गया है, रिसेंटली एक्सीडेंट नहीं हुआ है तो शायद आई थिंक ये 3 दिन पहले हुआ है। लोकल से यहाँ के बोल रहे शायद मे बी ओवर स्पीडिंग की वजह से हुआ है ऐसा लग रहा है। अभी ये देखते हैं, रास्ता तो अभी बंद है, ये क्रेन भी कुछ ज़्यादा ठीक से कर नहीं पा रही उसको ऊपर, शायद दूसरी क्रेन का सहारा इनको लेना पड़े ऐसा लग रहा है। देखते अभी आगे क्या होता है, पर एक्सीडेंट हुआ ज़बरदस्त है, शायद ड्राइवर बच गया हो ऐसी संभावना तो है, फिर अपने को पता नहीं है कि एक्जैक्टली है क्या। पूरा ट्रैफिक जाम हो गया है, यहाँ पे ज़्यादा रुक नहीं सकते। अभी हम आ गए हैं पूरी से, 90 किलोमीटर ही दूर है
और अभी 5 बजे ही अंधेरा हो जाता होगा इधर ऐसा लग रहा है। और मैं तो सोया था, एकदम लास्ट सीट में सो गया था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी अचानक से, नींद ना होने के कारण शायद। तो अब वापस से अभी थोड़ी फुर्ती आ गई है तो अभी वापस चलाऊँगा, 90 किलोमीटर खींच लूँगा। और अभी यहाँ पे डीजल वगैरह डलवाया है, यहाँ पे डीजल का रेट है 94.79, तो ज़्यादा फुल टैंक नहीं किए, 2000 का ही जितना रिक्वायरमेंट होगा उतना डालते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा है तो वापस छत्तीसगढ़ में थोड़ा इससे सस्ता था, तो रिटर्न में ही वहाँ पे आसपास करेंगे। चलो अभी ये रास्ता पूरी जाता है, 9:30 बज गए और हम फाइनली पहुँच गए ये पूरी के पार्किंग में एरिया में, क्योंकि पूरी के अंदर अंदर से रास्ता था, दो लोगों को पूछना पड़ा था, GPS थे तो मैं घूम का दिखा रहा था रास्ता, पर वहाँ पे रास्ता नहीं था। तो फिलहाल पार्किंग में है और ऊपर सामान लगा हुआ है, तो दो लोगों को यहाँ पे रहेंगे, दो लोग बाकी के लोग दर्शन करके आएंगे और वापस हम दर्शन करेंगे, क्योंकि 11 बजे तक मंदिर खुला रहता है ऐसी जानकारी मिली है। फिर दर्शन करने के बाद हम जाएंगे स्टे ढूंढेंगे, कहाँ पे स्टे ढूंढ सकते हैं। तो चलो, अगर कैमरा अलाउड रहेगा तो मैं वीडियो निकालूंगा, वरना फिर तो बाहर से ही दिखा दूंगा मंदिर। और अंजू को मोशन सिकनेस बीच में हुआ था, अभी थोड़ा ठीक है, अभी कैसा है, ठीक है? अच्छा। तो ये मोशन सिकनेस का बहुत प्रॉब्लम रहता है, पर ठीक है अभी सब। बहुत बार हुआ ना इस बार रास्ता ही ऐसा था ना, टूटा हुआ रास्ता था, बीच बीच में उछलता था। खैर चलो, उन लोगों को दर्शन करके आने देते हैं, फिर हम लोग जाएंगे। तो अभी हम आ गए हैं पुरी के कोई होटल में, क्योंकि जब हम पहुंचे थे पुरी में तो वहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी मंदिर में, तो ज़्यादा दिखा नहीं पाए, रात का भी समय था और 11 बजे तक मंदिर बंद हो जाता है, तो 10 बजे के आसपास ही हम पहुंच गए थे। और फिलहाल हमने ये मंदिर के पास में ही कोई होटल वगैरह लिया है, तो यहाँ पे रुकेंगे और आज पूरा आराम करेंगे, क्योंकि 2 दिन का थकान आज निकालना पड़ेगा। और कल लोकल कोई साइट सीन वगैरह रहेगा तो कल देखते हैं और कल मिलते हैं, अभी पूरा सोते हैं। तो ये वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।